शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हैदर बिलाल बुलत की एक नवी वीडियो कहने जी तो सना दोस्त ब्याह इश्तियाक हैदर ब्रामी करना चाह सरे दोस्तों जनाब अस सीख लें जी कलरकार ने नज़दीक ये जनाब अली डेरी फार्म इसने जनाब बार खड़े हैं बिल्कुल मोटरवे ने नाल है मोटरवे जी इस्लामाबाद तो वैनी तो लाहौर उसने नाल कलरकार रोड तलगान तो कलरकार रोड आना पे लिंक रोड है जी डबल इस ते जनाब अस सीख लें इतने अली डेरी फार्म है इस दोस्तों जनाब विजिट करें कोशिश करें कि इतने डॉक्टर साहब मौजूद हैं उन्होंने भी गल कर सा थोड़ी जी दोस्तों मालूम दसा इंशाल्लाह नाल जानवर भी जी थोड़ा जो दूर तो विक सही है बड़ा अच्छा फार्म है काफ़ी दोस्त भरा जड़े जी इन शौक रखने वाले तो दोस्तों रिक्वेस्ट की है कि जो मेरे चैनल हैदर विलाग मुहूर्त इसा ज़्यादा तो ज़्यादा दोस्तों ना शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो इंशाल्लाह जी अगे भी ये कोशिश होनी कि मालूमती वीडियो दोस्तों ना शेयर करने रहाँ अज भी जी जी इन वलैती गाइयां जानवर इन्होंने जनाब हवाले असं इंशाल्लाह दोस्तों मालूम जी है अभी डॉक्टर साहब मौजूद हैं तो उन्होंने जनाब गलबात करें तो आओ जनाब हम थोड़ा विजिट कराने फार्म में बाहर इन्होंने साइलेज पिया जनाब साइलेज इस्तेमाल करें जीपो में जनाब पाकट लगा हुआ जो दोस्त ट्रैक्टर पर आ लें माशाल्लाह जी दोस्तों देखो खूबसूरत बछड़ियां जनाब फार्म दे अलग इन्होंने जनाब जगह बनी हुई मुकम्मल टैग लगे हुए हैं जी जी दोस्तों असं जनाब अली डेरी फार्म से जनाब खड़े हैं इतने भाई डॉक्टर हैं तो इन्होंने असं गलबात करें जी ये बछड़ियाँ छोटिया जड़ियाँ उन्हें अलग इन्हें सैटअप बनाया वा तो पूरी ब्रीड ने हवाले ना इन्होंने को पूछने मालूम दोस्त आए इंशाल्लाह दसा भाईजान अस्सलाम वालेकुम अपना की नाम असलाम ठीक है कि जगह तो भाईजान की नाम करेंगे कलरकार ठीक है अच्छा इन इतने जी डॉक्टर इस अली डेरी फार्म से अच्छा भाईजान ये जो जानवर हैं टैग वगैरह लाए हैं सारा इन्होंने मिल्किंग रिकॉर्ड वगैरह इन्होंने मदर ने की कितना के तकरीबन टैग किस वास्ते लगे हैं ताकि हर मतलब ब्रीड की अलग पहचान हो जाए पहचान ठीक है कोई डच ब्रीड है कोई मतलब ऑस्ट्रेलियन है किस तरह हर हर एक अलग ब्रीड चलाना ठीक इस वास्ते अलग अलग रखे हैं ठीक है और कौन जानवर ज्यादा दूध नहीं पैदावार करना पड़ा कि डच नस्ल ना या डच की पैदावार ठीक है ना अच्छा डच की ठीक है इसके नाम मिल्किंग सिस्टम के दूध से ठीक प्रोडक्शन ठीक दे रहे हैं ठीक है हां जी जेड़ा भाईजान जेड़ी गायों गावां एवन गबन गावां मतलब गबन कराने हो तुसी तू केड़ा टीका रखने हो ठीक है तो मतलब ब्रीड के हिसाब ने बन रखा है ना जैसे किस्म की ब्रीड हो किस्म की अभी फिलहाल इतने ऑस्ट्रेलिया ठीक है कई दोस्त आखने कि जी थोड़ा जहा क्रॉस तुसी रखो टीका रखो तो ज़्यादा बेहतर आ सी कि उसकी गर्मी वो जानवर न करे सी अगर तुसी ज़्यादा पेवर वैसे होती वो ज़्यादा गर्मी क्रॉस भी करना चाहिए पर ब्रीड के हिसाब ना होना तो एनिमल तो अपने से डिपेंड करना एनिमल जितना मतलब अच्छा उसी उसके हिसाब ना जरा जी बछड़ियाँ कितने टाइम के बाद मिनट आने इस तरह मतलब टाइम आ रहे तकरीबन साल तक कर रहे हैं साल साल के अंदर या एक साल दो महीने इतने तक मिनट कर रहे हैं जी ठीक ठीक हो गया और ज़्यादा तो ज़्यादा अपने को जो जानवर इतने वे खड़े वो कितना मतलब दुध करने पैन 35-40 लीटर वाले हैं
एवरेज हाड़ी चल रही तकरीबन 30 लीटर चल रही कोई बंदा इत्थों लेना चाहे या कोई जानवर लेना चाहे उसकी की तरतीब होनी थोड़ी फिलहाल सेल करने का कोई प्रोग्राम नहीं मतलब 200 तो उसे किस तरह पता लग सी कि हूँ उस फार्म पे सेल वास्ते जानवर मौजूद हैं कोई ऐसी की तरतीब तुसा बनाई हुई होगी तरतीब तो अजी खास कोई हो तो बने अपना होना मतलब एक हट जो होना बने बेचना चाहे अगर सौ 200 या 300 जितनी जगह हो जितनी फार्म जगह हो उस हिसाब ना ठीक है बाकी जो सेल कर दी असि साले को आ गए ये भाई को पूछ रहे हैं जी डॉक्टर ने अच्छा इस साइलेज इस्तेमाल करना चाहिए छोटे जमींदार भरा जिन एक जानवर दो जानवर रखे हैं उस साइलेज इस्तेमाल करना चाहिए फायदा आई है इसकी सूरत इस्तेमाल करने फायदे या नुकसान तो कोई मेरे ख्याल से इस्तेमाल करनी चाहिए फार्म वगैरह से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं तो फिर बाकी चारा शारा इतना कौन नहीं होना ना इस वजह से सस्ता पौना जमींदार हाँ मतलब या अगर दूसरी जी जमींदार नहीं अपनी है जी जनाब असि आ गए जी जी इन वाली गावान इस साइड से अस खड़े मेन गेट से हाँ क्योंकि अंदर असी वाई ना सकने तो जनाब जानवर तो अच्छा भाई जान इतने कितने बंदे इन्होंने काम करने वाले लेबर कितने लेबर तकरीबन 7 बंदे मतलब मशीन होए हैं ना दो मशीन के होने दो फीडिंग के होने बाकी सफाई के कुछ होने असल मसला ये है कि थोड़ा वायरस की प्रॉब्लम है आजकल एक जानवर है एक वायरस आया हुआ इस वास्ते असं भी अगे बढ़ना ना चाहते ज़्यादा क्योंकि बड़ी मेहनत होनी जी बंदे नहीं इस वास्ते जनाब असं ज़्यादा देना मैंने जानवर बड़े अच्छे लगने पे अच्छा उस कितने टाइम नहीं आने वो तकरीबन साल साल यानी कि सामने होने नहीं नजदीक जनाब एक छोटी जी वीडियो फार्म ने हवाले ना थोड़ी असर दी अच्छा अगर तुम आप कैमरा गिन वजो तो मोबाइल असी ना आने तुम नज़दीक तो दोस्तों दिखा सकते हो चलो मैं जी ठीक है जनाब तुसा ब्राह मंगना जी इजाजत रिक्वेस्ट की है कि जो मेरे चैनल हैदर विलाग गुलत इस दोस्तों ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो जी तो हूँ जनाब मैं मंगना इजाजत अल्लाह हाफिज़ तो मैं मोबाइल भाइयों देव लगा जी इन अगे कईयों ने नज़दीक तो वाई के क्योंकि इन अंदर मौजूद हैं अपनी पूरी सेफ्टी अंदर रखी गई तो इन वाई के जी गाइयों ने जनाब पूरा व्यू करा के ने अल्लाह हाफिज़ जी पाकिस्तान जिंदाबाद वीडियो स्किप नहीं करनी अगे वेखनी ये मिल्किंग वाली काऊ का शेड है और ये हमारी मिल्किंग वाली काऊ की फीडिंग वाली जगह है ये तकरीबन सारी जो है ना मिल्किंग वाली गायें हैं
ये सारी कौ प्रेग्नेंट हैं तकरीबन, ये इनकी फीडिंग की जगह। ये सारी हीफर्स हैं, इनमें से कुछ इनसेमिनेट हो चुकी हैं और कुछ रहती हैं। ये देखें आप, के नज़दीक हैं, एक मंथ तकरीबन रहता है तो कुछ को, एक मंथ 15 दिन। ये सारे कामिंग वाले जानवर हैं।